दशम श्रेणी मोर समस्त प्रिय छात्र छात्री मैंने तुम समस्त को पुणि थे तुम प्रिय यूट्यूब चैनल एसएस ओडिया एकेडमी को स्वागत पे तुम मान जो रही प्रोजेक्ट वर्क तो आज आम क्रीड़ांगन प्रोजेक्ट वर्क देखा तो किभली भाव में आम खाता करवा तार पचत पट कौन रूचीपत्र कौन रम कौन लिखा एवं भितर जो स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस कौन करवा से विषय जानवा एवं परवर्ती प्रत्येक क्लब रमें प्रोजेक्ट वर्क करने चैनल को कौन करवा गोटे सब्सक्राइब रखा आप बेल नोटिफिकेशन क्लिक करदे और सांग मान सहित बहुत मात्र सेयार कर कहीं मुझे जो भी भिड अपलोड कर परिश्रम कर निश्चित भाव मत मोटिवेशन मिले तुम्हारे आसपार चल पाने आज को आरंभ करवा तुम कौन कर प्रथम आकांक्षी पाठ्यक्रम देदेव प्रोजेक्ट वर्क लिख निज नाम दब क्लास ना दब रोल नंबर दब स्कूल ना दब लिस्ट ना दब जी मेंटर शिक्षक ना दब तापर जो पचत पट देखा तो फास्ट फ्रंट पेज गला फ्रंट पेज तापर यह गोटे पेज रख बैक साइड पेज बाता भितर पेज मध्य रख तुम चल पार विभिन्न सुंदर सुंदर चित्र कर जहाद्वारा खाता टी बहुत एट्राक्टिव हम एवं शिक्षक तुमको शत प्रतिशत नंबर देवे। कंटेन्ट विषय ना कौन रही क्यारिअर विकल्प और ओलंपिक क्रीड़ा प्रथमार्ध मानने आम हापियाली एग्जाम पूर्व जी अधिवेशन सर थोड़े गोटे प्रोजेक्ट वर्क हम तो सहित सेकेंड हाफ मानने हापियाली परीक्षा पर बाकी जी अधिवेशन रही थी से अधिवेशन सर सहित आउ गोटे प्रोजेक्ट वर्क हम प्रथम अधिवेशन प्रोजेक्ट वर्क कौन रहा क्यारिअर विकल्प क्यारधर कौन रहा ओलंपिक क्रीड़ा रोक तेनाली प्रथमार्ध जो सूचीपत्र रही सूचीपत्र कौन रछत पृष्ठा रहीपर सूचीपत्र तो रहा पछत पृष्ठा रहा उपक्रम रहा तुम मैंने करियर काउनसलींग कौन तार विभाग सब कौन रही सेगुड़ाक जी तुम नक तुम डायरेक्ट आसपार क्या पाखक ना आनालीसीस जो रही स्वॉट आनालीसीस और स्पॉट आनालीसीस जेकोसी व्यक्ति तुम स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस कर पारो परिणाम मो शिक्षक स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस करपर कह रहा सैनिकों स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस कर डाक्टर स्वॉट एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस कर ठीक से ही भाव में आउ किए रे हाँ प्राप्ति स्वीकार्य और प्रमाणपत्र ये गोटे भारी इंपोर्टेंट जिनस शेष प्राप्ति स्वीकार रोमे क्या पाखे यही प्रोजेक्ट वर्क कर प्रमाणपत्र रख शेष रहा देखा जीवा उपक्रम कौन लिखा देख आम छात्र छात्री मानक जीवन गठन में जीवन कौशल एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करमक विभिन्न आह्वान दे आगे बढ़ाक प्रेरित कर
ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଅଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତା, ଆତ୍ମପରିଚାଳନା, ସହଯୋଗିତା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କିପରି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଏଥିରୁ ଶିଖିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଥିଲା, ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଦେଖ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ କ'ଣ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆଗମନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବିପୁଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚେହେରା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିଛି। ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୂଚନା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବଦା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜୀବନ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନର ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଇଂ ହେବା ସହିତ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାରିୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ପିତାମାତା ତଥା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ସର୍ବଦା ବଦଳୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିବା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ୍ୟାରିୟର ଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ଓ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଜୀବନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଏକ କ୍ରମ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଠିକ୍ ବୃତ୍ତି ପଥ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଏକାଡେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମହତ୍ୱ ଦିଗରେ ଅବଗତ କରାଇବା। କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ଚାପ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ସହଜ କରିବା, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ସମନ୍ୱୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟାୟାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୁରସ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ, କାରଖାନା, ମାର୍କେଟିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ସହିତ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏକ କ୍ୟାରିୟର ବା ବୃତ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ABCD 2008 କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକାର କ୍ରମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ନେଇଥାଏ। ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଯୋଜନା, କ୍ୟାରିୟର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜୀବନ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରମୁଖ ଡୋମେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ବୃତ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ, ଏହା ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି କ୍ୟାରିୟର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପସନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ, ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ତଥା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ତଥା ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି।
ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମେଟ୍ରିକ ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାହାକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ତତ୍ଵଯାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀକୁ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରଣା। ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଅଛି ଯାହା କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ଧାରଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ୟାରିୟର ପସନ୍ଦ ସହିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ। କ୍ୟାରିୟର ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଜୀବନସାରା ଘଟେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ବିକଳ୍ପ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳା, ଏଇଟା ଆମର ବିଷୟ ଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ମେଟ୍ରିକ ବା ଟେନ୍ଥ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦଶମ କହୁଛେ ପାସ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବା କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ କୋର୍ସ, ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ଜେନେରାଲ କୋର୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନ, କମର୍ସ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଟ୍ସ, ଯେଉଁଟା କଳା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସାଇନ୍ସ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ପୁଣି PCM ଆଉ PCB। PCM କ'ଣ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। PCB କ'ଣ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି। ଦେଖ କମର୍ସ କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ, କମର୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ITI, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପଲିଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିସିଂ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆନିମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ VFX, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ। ତା'ପରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭିତରେ କ'ଣ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ, ଜବ୍ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅପରେଟର, କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିସିଂ, DTPରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, DTP ଅପରେଟର, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନିଂ DTP ଅପରେଟର, ଆଉ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ୱାର୍କ, ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନର, ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନର, ଆନିମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ VFXରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ନା ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, 3D ଆନିମେଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର, ଏଡିଟର, 3D ମଡ୍ୟୁଲର, ଭିଜୁଆଲାଇଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଅଫିସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର। ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ନା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର, CEO ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, SME ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ରିଏଟର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗିଂ। ତା'ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ବା ପଢ଼ିପାରିବା, ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା PCB ଅଛି, ତ PCM ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ନା BTech, BE, BSA, NDA, ରେଲୱେ, BE ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ପାଇଲଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, BSC ଇନ୍ ଜୁଲୋଜି ଆଉ କ୍ଲିନିକାଲ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ, BSC ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ, ତା'ପରେ ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମିତି PCBର ଦେଖ ନର୍ସିଂ, BUMS, BAMS, ବି ଫାର୍ମା, BPT, BHMS, BDS, BMBBS, MBBS ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ, BVSC, ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଛି, କରିକି ସେମାନେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆହୁରି ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା କ୍ଲିନିକାଲ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ, BSC ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ, ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। କମର୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଛି, କମର୍ସରେ ରହିଛି CS, CS, BCOM, BBA, MBA, BCOM, LLB, ଆକ୍ଚୁଆରୀ, CNA, BFM,
आर्ट्स सेकंड होइछि बीए बीसीए बीएचएम बीजेएमसी बीएफए एनिमेशन टूरिज्म एलएलबी तो ए समस्त कोर्स प्रोवाइड कर जाउछि। तापर देखो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एयरपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स बीबी एटा मते। तापर एबे देखिबा स्वॉट एनालिसिस। प्रथम आमे जानिबा स्वॉट एनालिसिस कोन। देखो स्वॉट विश्लेषण होउछि एक साधन जहां हमको हमर सामर्थ्य दुर्बलता सुजोग एवं आह्वान को चिन्हट करिबारे सहाय्य करे। क्यारियर योजना प्रसंग रे शिक्षार्थी माने ई सब विषय ऊपर विचार करि परिबे। देखो कोन कोन विषय ऊपर हम विचार करिबा। सामर्थ्य समानकर दक्षता आग्रह एवं व्यक्तित्व गुण जहाँ क्यारियर विकल्प सहित प्रयोज्य होती। दुर्बलता कौन जेकोसी कौशल कि अभिज्ञता जहाँ सामान सपक्ष में काम करें। सुजोग कौन रही चाकरी बजार उपलब्ध थी साधन जहाँ सामान सपक्ष में काम कर। आह्वान कौन रही छात्र छात्री मान आह्वान सृष्टि करें। तेणु आम छात्र छात्री मैंने स्वॉट विश्लेषण करने को ग्राफ कि चार्ट व्यवहार कर। श्रेष्ठ तीनो क्यारियर विकल्प स्वॉट एनालिसिस कर। फास्ट मुझे कौन शिक्षकों स्वॉट एनालिसिस। सामर्थ्य देख सामर्थ्य भितर कौन रहा जोगाजोग दक्षता। से धारणा को स्पष्ट भाव में व्याख्या करपारती किए शिक्षक एवं शिक्षार्थी को शिक्षण में नियोजित करपारती। शिक्षक गोटे चित्र मुझे तापर धैर्य एवं सहानुभूति। से विभिन्न शिक्षण शैली आवश्यक करुवा शिक्षार्थी को बुझाई पारती समर्थन करती। विषयभित ज्ञान मनोनीत विषय पर भल बुझाणा रही। शिक्षण आग्रह प्रकृत से शिखा और अं सहित ज्ञान बांटा को उपभोग करती। दुर्बलता कौन रही जन शिक्षक श्रेणीगृह परिचालन दक्षता। श्रेणीगृहर परेश छात्र छात्री को आचरण परिचालन करार सीमित अभिज्ञता रही। शिक्षादान अभिज्ञता एक अनुष्ठान शिक्षादान कर अभिज्ञता ना सर्वसम्मुखें कह बड़दर्शन समय कि अत्यधिक श्रोता मान भिड़ मध्य आत्मविश्वास मंत्य रखे असहज मन करती। सुजोग रही जन शिक्षक स्वेच्छासेवी कार्य व्यावहारिक अभिज्ञता हासिल करने को विद्यालय कि शिक्षानुष्ठान स्वेच्छाकृत भाव में पाठ पढ़ाई पारती। छोट छात्र मानक शिक्षादान निजार छोट बयस छात्र छात्री को पाठ पढ़ाई शिक्षादान दक्षता वृद्धि करें। अभिज्ञ शिक्षक मानू मार्गदर्शन नहीं पारे निर्दिष्ट शिक्षादान क्षेत्र में शिक्षावित मानू मार्गदर्शन नहीं पारे। आह्वान कौन रही प्रतिजोगिता प्रतिद्वंदी अधिक या हेतु असुविधार सम्मुखीन होगा पड़पे। दरमा और सुविधा सुजोग शिक्षादान वृत्ति में अन्य क्यारियर विकल्प तुलन में कम दरमा और सुविधा सुजोग मिले। शिक्षा नीति रे परिवर्तन वृत्ति रे शिक्षादान शैली और शिक्षागत नीति रे परिवर्तन सहित खाप खुआई चलिबा। स्मार्ट लक्ष्य कौन रही निर्दिष्ट बा स्पेसिफिक जोड़ा निज लक्ष्य को स्पष्ट भाव में व्याख्या करिबा। तुम्हें प्रकृत में कौन हासिल करने को चाहो मापजोग्य मेजरेबुल निजर लक्ष्यर अग्रगति विषय जानवर एक उपाय तुम्हें किपर जान तुम्हें दिगहरा होना बोली हासिल योग्य एचिवेबुल एभली लक्ष्य स्थिर करवा जहाँ बास्तवादी थी एवं तुम घर पाखे उपलब्ध थोड़ा संबल दक्षता सहित तुम्हें यह हासिल कर प्रासंगिक गण रिलीवेंट तुम लक्ष्य तुम आकांक्षा और उद्देश्य सहित सामान रहा उचित। समय सीमा टाइम बाउंड तुम लक्ष्य हासिल एक समय सीमा स्थिर कर तुम्हें यह लक्ष्य के हासिल करने को चाहच। स्मार्ट मानदंड अनुसरण कर शिक्षार्थी मैंने सुपरिभाषित लक्ष्य सृष्टि करें जहाँ से सफलतार संभावना वृद्धि कर। स्मार्ट लक्ष्य क्यारिययर जरा एक नक्सा सदृश जदि जड़े शिक्षार्थी शिक्षक होगा चाहूँ तेज से किपर स्मार्ट लक्ष्य स्थिर करेंगे ताहा जाना। देख शिक्षक निम्नलिखित उपाय स्मार्ट लक्ष्य स्थिर करवा निर्दिष्ट बीएड प्रवेशिका परीक्षा पर योग्यता हासिल करने को अधिक किंवा निर्दिष्ट मार्क रखी मापजोग्य मुझे मार्क रखा चाहूँगी ता स्थिर करी। यह मत मॉक टेस्ट और अभ्यास परीक्षा निज अग्रगति को मापे साय कर हासिल योग्य वर्तमान ज्ञान अध्ययन समय उपलब्धता एवं उत्सक आधार कर एक बास्तववादी लक्ष्य स्थिर करी। प्रासंगिक बीएड पास करवा शिक्षक होबार दीर्घकालीन लक्ष्य सहित सीधासलख संयुक्त बोली आम जाना उचित। समय सीमा परीक्षा पर एक निर्दिष्ट समय सीमा स्थिर करवा यथा आगामी दुई वर्ष मध्य जेको शिक्षक पदवी बाहर सीबीटी एग्जाम कृतकार्य होगा दैनिक 10-12 घंटा अध्ययन करी। परीक्षार आसुवा विभिन्न विषय भित्तिक प्रश्न जमीक मैथ साइंस ओडिया इंग्लीश पेडागोजी और जिके समय को भाग कर पढ़वी प्रत्येक विषय को रिकल करने सहित हार्ड स्पॉट को अंडरलाइन कर रखी जहाँ को पढ़ा बेल अधिक गुरुत्व पढ़वी। तेणु ये आम जाणीगले जो शिक्षक होगापी
SWOT analysis कौन SWOT analysis कौन से बढ़े आप अरे हमें देखिए बा जोने सैनिकों का SWOT analysis और SWOT analysis जोने डॉक्टरों का SWOT analysis और SWOT analysis जोने ताको बिला मरे निश्चित हो अरे जनरल गुटों गुटे सब्सक्राइब कर रखो आप फ्रांगोवान सुई तो बुरो मात्रा से आकर थाइंग ना तुम्हारे गुटों सब्सक्राइब कर सोल्जर सैनिक गोटे चित्र एक करपर तक विषय स्वाट एनालिसिस करवा और स्मार्ट एनालिसिस लिखा देख सैनिक स्वाट एनालिसिस सामर्थ्य शत्रु को पराजित करने मो शारीरिक स्तर निजी मजबूत कर गढ़ी तोली आवश्यक बड़े देश को शत्रुक बड़े सुरक्षित रखापी मुझे जीवन को अशीष मंदिर और सुखदेव भाई जीवन देवार सामर्थ्य रखी धैर्य कौन जन सैनिक भाव में जेकोसी विपद संकुल परिस्थितर मुकबिला करने धैर्यवान है शिक्षण पर आग्रह कौन जड़े सैनिक भाव में विशिष्ट सैनिक मानक पदाक अनुसरण करेंगे नीति आदर्श अनुप्राणित होगी दुर्बलता कौन चापर काम करने जो मोर आत्मविश्वास कमी जाए विभिन्न स्थान परिवर्तन जोजोग दक्षतार अभाव देखा दिए अभिज्ञतार अभाव कौन पर्याप्त तालीम अभाव मो पाखर अभिज्ञतार अभाव परिलक्षित हुए शारीरिक व्यायाम कौन दैनिक ठीक भाव में शारीरिक व्यायाम नक अलसुआ है ड्यूटी टाइम कार्यक्षेत्र सावधानता अवलम्बन नक सुजोग कौन रही पदोन्नति जड़े सैनिक भाव में निज कार्यक्षेत्र उत्तम प्रदर्शन कर पदोन्नति पाइबार सुजोग सृष्टि करपाधि कौन रज कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर पद्मभूषण पद्म विभूषण भाई अनेक उपाधि हासिल करें प्रशिक्षण स्थानीय अंचल शिक्षित युवक को नहीं मुझे प्रशिक्षण दे देश सेवाई योगदान करने लगे प्रोत्साहित करें आह्वान कौन र देश सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि हेले परिवार को भूली देशपाई जीवन देवा पड़ो यही मंत्र दीक्षित होगा मोपाई एक आह्वान अटे सीमांत शत्रुपक्ष सैनिक सन्त्रासवादी और आतंकवादी किपर मुकबिला कर देश को प्रतिपक्ष सुरक्षा जगैबार समर्थ होगी मोपाई आह्वान अटे सैनिक स्मार्ट एनालिसिस करवा निर्दिष्ट कौन जड़े सैनिक होगापी तीनो जिन आवश्यकता रही जता शिक्षागत योग्यता शारीरिक योग्यता रेटिन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट उत्तीर्ण मापजोग्य योग्यता पर्यायर आवश्यक समस्त स्तर को अतिक्रम करने निजर अग्रगति को रखा दरकार हासल योग्य प्रतिजोगिता मूलक दुनिया में निजक आत्मसंतोष देला भाई एक विकल्प बाछवाक चाहिए जहाद्वारा कि मुझ त्याग उत्सर्गीकृत भावना को चरितार्थ करी प्रासंगिक कौन शिक्षागत योग्यता सहित शारीरिक योग्यता और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण होगा सीधा सड़क जन सैनिक पाइबा सहित संयुक्त बोली आम जाना उचित समय सीमा कौन समस्त योग्यता पर्याय उत्तीर्ण होगापाई एक निर्दिष्ट समय दुई बा तीन वर्ष नहीं मुझे अभ्यास जारी रखी से दैनिक अभ्यास करी तापर देख जो डॉक्टर स्वाट एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस करवा सामर्थ्य रोग निर्णय करार दक्षता से रोगीर रोग को ठीक भाव में डायग्नोसिस करपारती आधुनिक टेक्नोलॉजी को व्यवहार कर से प्रकृत रोग को चिह्नट करने निम्ते से परीक्षा करती धैर्य और सहानुभूति प्रत्येक रोगी को भयभीत न हो धैर्य धरियापाई से सेल्फ कॉन्फिडेंस वृद्धि करती गरीब रोगी प्रति सहानुभूति स्वरूप से सामान प्रेस्क्रिप्शन बाबद को पैसा नहीं न था विश्वभित ज्ञान कौन से जो विभाग डाक्तर से विभाग को यथेष्ट ज्ञान रही शिक्षण पर आग्रह कौन से सदा बेले नुआ नुआ औषध विषय जानापी निजी को अपडेट रखते दुर्बलता कौन एक दल में काम करार अक्षमता खराब सांगठनिक दक्षता क्लिनिकाल अभिज्ञतार अभाव रोगी जंत्रणा द्वारा भावप्रवण भाव में प्रभावित सर्वसम्मुखें कह रोगी रोग विषय सर्वसम्मुखें कह सुजोग कौन रही स्वेच्छासेवी कार्य कोविड 19 भाई महामारी समय से अभिज्ञता हासिल करने इच्छाकृत भाव रोगी विषय तथ्य हासिल करते यही विभिन्न कार्यपाई तथ्य हासिल करें जूनियर डाक्टर मानक विभिन्न रोग विषय अभिज्ञता सेयार करवा निज विभाग जूनियर डाक्टर भाव जो मानक निजुक्ति मिलूँ सहित विभिन्न रोगी डायग्नोसीस किपर कर से संपर्क में आलोचना करें रिसर्च गवेषणा विभिन्न रोग विषय नुआ नुआ मेडिसिन सठिक व्यवहार विषय गवेषणा कर ज्ञान हासिल करें अभिज्ञता निज विभाग डॉक्टर मानक मार्गदर्शन जो मानक पाखे दीर्घ वर्ष अभिज्ञता अच्छी सोसाइटी से फेम ख्याति अच्छी से जटिल परिस्थिति में मार्गदर्शन नहीं पारे आह्वान कौन आह्वान प्रतिजोगी आह्वान को प्रभाव कर प्रतिजोगिता सोसाइटी में डॉक्टर संख्या बढ़ुता बेले डायग्नोसीस कर दक्षता नहीं असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ पाए
डॉक्टर हेबा पई निमित्त उपाय रे स्मार्ट लक्ष्य स्थिर करबा निर्दिष्ट नीट यूजी परीक्षा देबा पई सर्वप्रथम प्लस टू साइंस रे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अतिरिक्त विषय इंग्लिश सहित पढ़ी आपयोग्य मत नीट यूजी एग्जाम कृतकार्य होते मार्क रखा पड़ो और भल कलेज शिक्षा हासिल करने बारंबार मॉक टेस्ट देवी और अभ्यास परीक्षा निज अग्रगति को मापी हासिल योग्य मोर या ज्ञान को अधिक परिमार्जित करने फिजिक्स वाला बायजू सरल भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म एवं यूट्यूब तथा ई लाइब्रेरी सहारा नहीं मुझ लक्ष्य को हासिल करें प्रासंगिक नीट यूजी एग्जाम भल रैंक रखा सहित एमबीबीएस पढ़ी डॉक्टर हेबार दीर्घकालीन लक्ष्य सहित सीधा सड़क संयुक्त बोली आम जाना उचित समय सीमा प्लस टू पर नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण होगापी निर्दिष्ट समय सीमा स्थिर करी जमीक आगामी दुई वर्ष मध्य भल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाम लिखाई नाम लिखाई आवश्यक रैंक हासिल करी तापर ये समस्त स्मार्ट एनालिसिस सरीगला तापर आम कौन कर प्राप्ति स्वीकार यही प्रकल्प संपूर्ण करें मत सात निकट में कृतज्ञ प्रथमत यह प्रकल्प कार्य मार्गदर्शन और उत्साह प्रदान करोर शिक्षक तुम शिक्षक जी थे ना देव सहायक शिक्षक मनोज कुमार दास को धन्यवाद अर्पण करुच्छे छात्र छात्री मान नवसृजन और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करम विद्यालय प्रधान शिक्षक नवीन कुमार भट्टाचार्य को मत कृतज्ञता जनवाक चाहे एथस प्रकल्प कार्य अदम्य समर्थन और प्रेरणापी मु मोर पर बंधु मान आंतरिक धन्यवाद जनावि तेणु निज ना दब तापर आसवा प्रमाणपत्र यद्वारा प्रमाण करमिक शिक्षा परिषद ओडा द्वारा प्रचलित आकांक्षी पाठ्यक्रम क्रीड़ांगन प्रकल्प कार्य चलित शिक्षा वर्ष 2024-25 जी शिक्षक तुम थे सहायक शिक्षक ना दब मनोज कुमार दास निर्देशन दशम श्रेणी छात्र छात्री कुमारी पुष्पलता त्रिपाठी सफलतार सहित प्रकल्प कार्य संपूर्ण करेणु मार्गदर्शक जी दौथे नाम दब आधान शिक्षक स्वाक्षर रही सरगला यदि तुम्हें भिड द्वारा जो भी वीडियो अपलोड करोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हारा पाखे पहुंची पार रोचे जय जगन्नाथ बंदे उत्सव जननी।